The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों का लगाव व श्रद्धा भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का बाकायदा मंदिर बना दिया गया है। यहाँ हाथ में धनुष बाण लिए उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने योगी आदित्यनाथ की मूर्ति पर 1.25 किलो चांदी का छत्र चढ़ाते हुए प्रदेश की राजनीति के दूसरे बड़े केंद्र अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मेरठ जिले से जुड़े अमित जानी ने कहा है कि अखिलेश यादव को इससे चिढ़ने की बजाय अपने नाम से औरंगजेब मदरसा बनवा लेना चाहिए। अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के कल्याण भदरसा मजारे पूर्वा में बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मंदिर में हवन आरती व पूजा पाठ लगातार हो रहा है। अमित जानी ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की मूर्ति की पूजा अर्चना की बल्कि 1.25 किलो चांदी का छत्र भी वहां चढ़ाया। इस मौके पर अमित जानी ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ संत पहले हैं, नेता बाद में। देखिए, प्रभाकर मौर्य जी ने भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में जो इतना खूबसूरत इतना सुंदर मंदिर बनाया है, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, साय वंदनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जैसे ही इसकी खबर हमें लगी तो हम प्रभाकर जी को साधुवाद देने के लिए और अपने पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मूर्ति पे 1.25 किलो चांदी का छतर चढ़ाने के लिए आज यहाँ मंदिर में उपस्थित हैं। इस देश में साधु संतों को सदैव पूजा गया, ये साधु संतों का ही देश है। यहाँ महर्षि अगस्त, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि द्रोणाचार्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि रैदास, संत कबीर, सब लोगों की उपासना होती है चूंकि वो संत हैं। संत के तौर पे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं, दानवी शक्तियों का जिस प्रकार संहार कर रहे हैं, असुरी शक्तियों का जिस प्रकार से दमन कर रहे हैं, तो योगी जी ने वही कार्य किया है जो एक सन्यासी को करना चाहिए। और चूंकि इस देश में हमेशा साधु संतों को पूजा गया है, योगी आदित्यनाथ जी का जो मंदिर बना है उसके लिए प्रभाकर जी को बहुत साधुवाद है। और जो टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की टिप्पणी आई है, तंज कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, झुंझुलाहट है, ये एहसास कमतरी है, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा तो नहीं बना, आप योगी जी का बन गया। योगी जी का इसलिए बना चूंकि साधु हैं, संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, सन्यासी हैं, बटोरा नहीं उन्होंने आपकी तरह कि राम गोपाल को भी अरबपति बना दिया, अपने कुंभ में जितने लोग थे सबको पैसा कमा दिया, एक परिवार में एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो सारा परिवार धनाढ्य हो गया, लूट खाया पूरे उत्तर प्रदेश को, उन्होंने बांटा, उत्तर प्रदेश के लोगों को बांटा। जो बांटता है वो संत होता है और जो बटोरता है वो दानव होता है। तो दानवों के मंदिर नहीं बनते, इसलिए आप झुंझुलाहट के शिकार मत होइए। योगी जी संत हैं, संतों के ही मंदिर बनते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज यहां छतर चढ़ाया है। और अखिलेश जी को हम कहना चाहते हैं कि आपके भी कार्यकर्ता हैं, अगर आप चाहें तो अपने किसी कार्यकर्ता से टीपू मदरसा इस्लामिया बनवा लें, अखिलेशुद्दीन मदरसा बनवा लें, आप भी चाहें तो औरंगजेब मदरसा बनवा लें, झुंझुलाने की क्या जरूरत है। योगी जी तो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, योगी जी तो संतों के देश को तो संत ही चलाएगा, तो इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी देश के संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे बाद की बात है, पहले वो देश के संत हैं। और संत होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मंदिर बनाया प्रभाकर जी का साधुवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।